भाई वो मेन हाईवे पे लगा हुआ है तगड़ा जाम और गाड़ी निकालनी पड़ रही है खेतों से भाई, खेतों से निकालनी पड़ रही है गाड़ी भाई साहब। बारिश ने अपने दर्शन दे दिए। जी क्या हाल चाल भाई, अपना एक और ट्रिप शुरू हो चुका है। आज मैंने वैसी शुरुआत नहीं की ना जैसे मैं करता हूँ, बट चलो फॉर अ चेंज। 8:30 बज गए एंड उत्तराखंड निकल रहे हैं भाई साहब। क्या करें, हिमाचल गए थे तो उत्तराखंड तो जाना ही पड़ेगा। नॉट ऋषिकेश, नॉट मसूरी, बताएंगे रास्ते में, ठीक है जी। चलो जी, ग्रीन लाइट हुई है, चलते हैं, अपडेट देते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। सी यू जी। पहुंच गए हैं रामपुर, पहुंच गए हैं रामपुर। ओके जी, लगता है बारिश होगी क्या, पता नहीं। चलो जी, अच्छा है अभी तक तो एवरीथिंग इज स्मूथ एंड फाइन एंड लेट्स होप। हम ना नैनीताल को बाईपास करेंगे, नैनीताल नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा हट के जाऊंगा मैं। चलो जी देखते हैं कहाँ बनती है बात। भाई वो मेन हाईवे पे लगा हुआ है तगड़ा जाम और गाड़ी निकालनी पड़ रही है खेतों से भाई, खेतों से निकालनी पड़ रही है गाड़ी भाई साहब। अरे बाप रे, खेतों से निकालनी पड़ गई भाई गाड़ी। अरे ये ट्रकों का जाम लगा हुआ है यार, बहुत बड़ा, मतलब पता नहीं कुछ तो है। ख्याल से ये रुद्रपुर का जाम है, पता नहीं किसका यार। तगड़ा लगा हुआ है जाम भाई, उन्होंने कहा कि उधर से तो गाड़ी नहीं निकल सकती, आपको ये खेतों से ही ले जाना पड़ेगा। भाई यही कि यहाँ ना मोमेंटम चाहिए, क्योंकि खेतों में तो ट्रैक्टर चलते हैं भैया, ये तो ट्रैक्टर नहीं है ना, ये 4x2 कार है। 4x4 यार मतलब लेने वाला हूँ मैं, गारंटी बता रहा हूँ, टेंशन ही नहीं होगी फिर। अगर यार टेंशन होती है ऐसी जगह की, वो फंस जाए ना। चलो देखते हैं, अपडेट देता रहूँगा क्या रहेगा, पहले इस जाम से तो निकले। देखो ये सारा ऐसे ट्रक है ना, ये देखो ट्रक दिख रहे हैं, सारे ऐसे जाम हो रखा है। चलो लेट्स सी क्या होता है। अरे वाह देखो, इको आ गई, कुत्ती कुत्ती आ रही है। अरे 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 आजा आजा आजा। अरे ये देखो जी, ये ऑटो फंस गया मेरे ख्याल से। भाई अगर कीचड़ हो ना स्लश, तो मेरे ख्याल से तो अपनी गाड़ी भी ना निकल पाए। चलो करते हैं बात।
भगवान ही पहुंच गए हैं। मतलब मिनी मिनी हिल एरिया शुरू हो गया, मिनी हिल एरिया कहूँगा इसे। ये लेफ्ट चला जाता है कोटा बाग को, एंड सामने तो जी अपना नैनीताल, यहाँ से रह जाता है 35 किलोमीटर के करीब। पता नहीं यार, वहाँ पे जहाँ पे खेतों में घुसी थी गाड़ी, मतलब घुसाना पड़ा था, वहाँ पे कुछ पंगा चल रहा था लोगों के बीच में ना। पता नहीं ईट वीट लेके आ गए थे, पर मैंने सोचा कैमरा नीचे करो, क्या दिखाना। हाँ जी, तो थोड़ा सा मैंने कहा गाड़ी को ब्रेक मिल जाए, ऐसी मैंने साइड में रोक ली। यहाँ मतलब यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने लगा रखा है नींबू पानी का, बट मैंने कहा अपनी गाड़ी को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, और मेरे को तो रेस्ट की क्या ज़रूरत है नहीं। यार ऐसी ये जंगल सा है बीच में, ये ना नैनीताल जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं है रामनगर का पार्ट, मैं भी करेक्टली जानता नहीं, इसलिए आई कांट से कि ये है। बट अच्छा है, बिल्कुल घना जंगल है। ये देखो है ना मस्त। बस चला जाए थोड़ी देर में, 5 मिनट में चलते हैं, एंड देखते हैं। अभी डिसाइड नहीं किया कहाँ रुकूंगा, बट डिसाइड मैं करता कब हूँ, कभी किया डिसाइड आज तक? चलो जी चला जाए इन द सेंस देखा जाए। मिलते हैं फिर, हैं चलो जी, ओके सी यू। देखा था, याद नहीं आ रहा, तो पहुंच के बताता हूँ कौन सी जगह है क्या है। बट यहाँ से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर का
और रह गया होगा, या 9 किलोमीटर सॉरी। पर ये बिल्कुल ऐसे देखो अलग से पतली सी रोड है एंड सही है। गजब भाई गजब, रास्ता ऊपर से ही जा रहा है। मेरी अकेले की गाड़ी भाई, किसी की गाड़ी नहीं है वो, मेरी अकेले की गाड़ी है। तो ये अब देखो हम ऐसी रिमोट जगह यूज़ करते हैं ना, तो हर कोई तो जाता नहीं है, बट